मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब देखो हम लोग पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा यहाँ पे दिया हुआ है। चलो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ 667 नैनोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। इज प्रोड्यूस बाय द हीलियम नियॉन लेजर द पावर इमिटेड। अब देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, चलो ये लाइट का सोर्स मान लेते हैं, यहाँ से ये लाइट का सोर्स है। अब ये मोनोक्रोमेटिक है, रेड है तो रेड है, ग्रीन है तो ग्रीन है, इस टाइप का कुछ हो रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो पावर रेडिएट हुआ है, जो पावर इस सोर्स का पावर जो पावर यूज हो रहा है वो सोर्स का पावर जो है वो 9 मिली वाट है। ठीक है, देखा था नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड ऑन ए टारगेट ऑफ द बीम एवरेज टारगेट एट बीम। मतलब यहाँ से अगर मैं कोई टारगेट लगा दूँ, ये मेरे पास कोई टारगेट मटेरियल है, अब इस पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन देखो उतने स्ट्राइक करेंगे जितना इमिट होंगे। आ रहा समझ में? मतलब यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स कहता है एवरेज एट ए टारगेट रेडिएटेड बाई दिस बीम। ऑन एन एवरेज कितने फोटॉन्स इस पे बीम है, इस टाइप से बीम है, पैरेलल बीम ले लेते हैं इस टाइप से। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड का जो फार्मूला है वो पावर एच सी अपॉन लैम्डा, पी लैम्डा अपॉन एच सी, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है और यही इसमें पूछा जा रहा है। पावर कितना है, 9 मिली वाट है, 9 10 की पावर -3 और लैम्डा 667 × 10 नैनो है 10 की पावर -9 मीटर और एस 6.63 × 10 की पावर -34 और डिवाइडेड बाई 3 × 10 की पावर 8। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इस मतलब इमिटेड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड ऑन एवरेज टारगेट। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना ये कितना आ जाता है, इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना और फाइनली इसकी कैलकुलेशन तुम्हें बता देगी कि कितने फोटॉन्स इमिट कर रहे हैं। मतलब ये आ जाता है 3 × 10 की पावर 16, मतलब ए ऑप्शन सही है, कैलकुलेट कर लेना इसको।